खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आई है, जहां पर लूट का खुलासा करते हुए दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की बछरहमा थाना पुलिस ने अंतर जनपदीय दो साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के कब्जे से लूटे गए 93,000 नगद, कुछ जेवरात, एक तमंचा, मय कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस के गिरफ्त में ये दोनों साथी लुटेरे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो दिन पहले हरचंदपुर थाना इलाके में बाइक सवार एक दंपत से 96,000 रुपये की लूट हुई थी और बछरहमा थाना क्षेत्र में भी एक लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रही। बछरहमा पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली, चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो लोग संदिग्ध मिले। जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो पूरा मामला उजागर हुआ। गिरफ्तार किए गए लुटेरे इरफान और पिंटू, जो कि उन्नाव और कानपुर के रहने वाले हैं। थाना हरचंदपुर के ज्वाइंट ऑपरेशन में दो शातिर लुटेरों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इन लुटेरों के द्वारा 11 तारीख को, जो बीती 11 सितंबर की बात है, इनके द्वारा शाम को लूट की दो घटनाएं अलग अलग थाना क्षेत्रों में कारित की गई थी, जिसमें इनके द्वारा चेन स्नैचिंग किया गया था और एक महिला के पर्स से पर्स लूटा गया था, जिसमें 96,000 रुपये थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से लूट का सारा माल बरामद कर लिया गया है। जो भी चेन और कैश गया था वो सब बरामद हो गया है। और जो अभियुक्तगण हैं, इन्होंने घटना में अपने जुर्म का इकबाल भी किया है और अपने विषय में ये भी बताया है कि इनके द्वारा पूर्व में आसपास के जनपदों में कई घटनाएं इस तरह की गई हैं, जिसके बारे में छानबीन अभी की जा रही है। इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो अभी तक संभवतः चोरी की है, उसके बारे में भी आगे पता लगाया जा रहा है। और इनके पास, इनका जो लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो प्रेस नोट में आपके सामने है। जो एक अभियुक्त है, उन्नाव का रहने वाला है, उसके विरुद्ध कई मुकदमे लूट के पहले से पंजीकृत हैं। दूसरा अभियुक्त पिंटू, उसके विरुद्ध भी कई मुकदमे हैं। अन्य इनके साथियों के बारे में पूछताछ करके उनका भी पता लगाया जा रहा है और इसमें जो भी फॉलो अप एक्शन है वो किया जा रहा है। जिस टीम ने इस गुड वर्क को अंजाम दिया है, उसको मेरी तरफ से पुरस्कृत किया जा रहा है।